दोस्तों नमस्कार, मैं आपका अपना नगेंद्र जो है यार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नगेंद्र अमूल्य में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि शुगर को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं आयुर्वेदिक नुस्खे के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा नुस्खा बताने जा रहा हूँ मैं आपको, जिसको अगर आपने यूज करना चालू कर दिया ना, तो शुगर चाहे कितनी बड़ी हुई हो आपकी, धीरे 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 नॉर्मल होने लग जाएगी। मतलब बॉडी का जो अकॉर्डिंग हमारी शुगर आनी चाहिए वो आ जाएगी। दोस्तों इतना जबरदस्त नुस्खा है। आप दवाइयां लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं इंसुलिन के, किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बस दोस्तों आपको कहे अनुसार टाइम टू टाइम इसका इस्तेमाल करना है, फिर आप देखना कुछ ही दिनों में आपका शुगर लेवल जो बहुत ज्यादा हाई रहता था वो नॉर्मल होने लग जाएगा। लेकिन दोस्तों हम करते क्या, नुस्खे तो सुन लेते हैं, आजमाते नहीं हैं। आदत तो वही है ना कि दवाइयां लेके आएंगे, अंग्रेजी दवाइयां ले आए, चलने दो। वो कब तक खाएंगे दोस्तों आप? एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, महीना हुआ, दो महीने हुआ, साल हुआ, दो साल, मतलब ये तो हैबिट बन गई। जब तक आप दवाई नहीं लेंगे, जब तक आपको चैन नहीं मिलेगा। लेकिन मैं दोस्तों आज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने ये नुस्खा अपना लिया ना, तो आपकी दवाई 110% छूट जाएगी। बस आपको टाइम टू टाइम इसका सेवन करना है। अब करना क्या दोस्तों, देखिए आपने देखा होगा अमरूद, अमरूद का पेड़ हमारे आसपास भी लगा होता, नहीं होता तो जो बाग होते हैं मतलब पार्क वगैरह जो होते हैं वहां पे आसानी से मिल जाता है। आपको अमरूद के पत्ते लेके आने, मान लीजिए आपने 10 पत्ते ले लिए अमरूद के, ताजा पत्ते, अमरूद के ताजा पत्ते लेने आपने 10 या 15, जो जितने भी आप लेना चाहें, उसको ले आए, धो लिया अच्छी तरह और सुखा दे। सुखाने के बाद उसका पाउडर बना लें और एक डब्बी में भर लें। अब बात करेंगे दूसरा, आपने देखा होगा बेलपत्र, वही बेलपत्र जो हम शिवजी जी को चढ़ाते हैं ना पत्ते, वही पत्ते लेके आने को, बेलपत्र के आसानी से मिल जाएंगे दोस्तों। पता करेंगे ना तो आपके आस पड़ोस में कहीं ना कहीं पेड़ जरूर होगा, उतने ही पत्ते लेके आने जितने अमरूद के लिए। बेलपत्र के पत्ते ऐसे 3 पत्ते इकट्ठे होते हैं, जितने पत्ते आपने अमरूद के लिए उतने ही ले आए, अच्छी तरीके से धोएं, सुखा दें, फिर उसके बाद उसका भी चूर्ण बना के दोनों को मिक्स कर लें। दोनों चूर्ण को मिक्स करने के बाद डेली सुबह आपको खाली पेट हल्का गुनगुना पानी के साथ आधी चम्मच का सेवन करना है। आधी चम्मच से ज्यादा ना करें और टाइम टू टाइम शुगर चेक करते रहें। कुछ ही दिन में देखेंगे आपकी शुगर नॉर्मल होने लग जाएगी। ये तो हुआ दोस्तों पहला नुस्खा। अब बात करेंगे दूसरे नुस्खे की। दोस्तों दूसरे नुस्खे में क्या करना है आपको, अमरूद के 3 पत्ते लेने, ताजा पत्ते, एकदम ताजा जो हरा हरा पत्ता हो वो ले आए, लाके धो लें, और 3 पत्ते बेलपत्र के ले आए, वो भी ताजा हरे हरे पत्ते लाके उनको भी धो लें, और दोनों को धोने के बाद 100 ग्राम पानी गैस पे चढ़ा दें, किसी भी बर्तन में 100 ग्राम पानी चढ़ा दें और दोनों पत्तों को डाल दें। डालने के बाद अच्छी तरीके से उबालिए पानी को। जब वो 100 ग्राम पानी 50 ग्राम रह जाए उतार लीजिए। उतारने के बाद घूंट घूंट करके आपको पीना है। कब पीना है? सुबह खाली पेट। दोस्तों इस नुस्खे को आप 3 से 4 दिन करिए, उसके बाद आपकी जो शुगर बहुत ज्यादा हाई रहती थी वो लो होने लग जाएगी। लेकिन 3 से 4 दिन के बाद आपको एक दिन छोड़ के एक दिन करना ही, और टाइम टू टाइम शुगर आपकी चेक होनी चाहिए। तो दोस्तों ये बहुत जबरदस्त नुस्खे मैंने आपको बताए, दोनों में से कोई सा भी आप यूज कर लीजिए, जो सा आपको सूटेबल लगता हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो पे, किसी नए टॉपिक पे। नमस्कार।